Okay, now let's come to the next topic, that is electrostatic boundary condition. Okay, what's the meaning of boundary condition? You know, everywhere electric field is there. And if everywhere electric field is there, means suppose you are in a room, everywhere electric field, you know, because of the light, light is the evidence of that there is everywhere electric field and magnetic field. तो आप कमरे में सोफे पे आराम से बैठे हैं, लाइट चल रही है या लाइट रोशनी आ रही है, दैट मींस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ देयर इज लाइट, तो आप जिस सोफे पे बैठे हो, दैट इज योर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम. जबकि जो एयर हमारा है वो क्या है, वो हमारा कंडक्टर है. तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर एंड इन द सोफा? तो ये दो डिफरेंट रीजन मिले. फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कुछ और होगा और जो सोफा है उस पर कुछ और होगा. कोई और मटेरियल रखा है, कुशन किसी और चीज का बना है, उस पर कुछ और होगा. वुड है, उस पर कुछ और होगा. बिकॉज एवरीवेयर इट हैज इट गेट इफेक्टेड बाय द मीडियम. तो जैसे ही कोई मीडियम चेंज होता है फ्रॉम वन टू अनदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, दैट ऑल्सो गेट चेंज. सो दैट इज द ओनली मीनिंग. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, देन डेफिनेटली उससे इफेक्टेड होगी पोटेंशियल भी, फोर्स भी, एवरीथिंग विल गेट इफेक्टेड. तो अब हम बात करेंगे कि अगर कोई मीडियम है, अगर कोई सिस्टम है, एक सिस्टम में कई मीडियम होते, तो कई सारे मीडियम में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे वो किस तरीके का बिहेव करता है. लेट्स सी, वी विल कैलकुलेट दिस फॉर पोटेंशियल एंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ. सो लेट्स राइट सम ऑफ द नोट्स ओवर हियर इन दिस. रिगार्डिंग दिस वन यू कैन राइट, कंसिडर द बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम. कंसिडर द बाउंड्री Or interface between consider the boundary or interface between two medium as a thin sheet, as a thin sheet having a surface charge sigma. Having surface charge density, sigma. Okay, what is the sigma over here? The sigma here represent free charge and the bounded charge. So you can write here, the sigma means free charge density plus bound charge density. ठीक है, where sigma is equal to is free charge density plus bounded charge density. मतलब कि there is a thin film. इसके थ्रू एक मीडियम बदल रहा है. मींस दिस इज एयर एंड दिस इज योर सोफा और ये उसका ऊपर का सरफेस. तो एक थिन फिल्म के थ्रू हम देखते हैं कि यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो टू मीडियम्स आर प्रेजेंट हियर. तो हम इस पे कैसे कैलकुलेट करें? सपोज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रैंडमली, इट इज इन एनी डायरेक्शन. सो इफ इट इज एनी डायरेक्शन, सो हाउ विल वी कैलकुलेट? लेट्स से वी कैन टेक इट लाइक दिस वे, टू surfaces are I have drawn a Gaussian surface okay. तो इसलिए कुछ इस तरीके से draw है कि इसका आधा part surface पे नीचे आ रहा है और आधा part surface के ऊपर आ रहा है. तो मैं वो आधा part यहां पे से draw कर दे रही हूं so that you can understand. ठीक है,
ठीक है, इस तरीके का इफेक्ट आता है ये, आधा पार्ट आपका सरफेस के अंदर है और आधा पार्ट आपका सरफेस के बाहर है। तो जो सरफेस के अंदर है उसका यूनिट वेक्टर है, अगर हम बेस का लें वो अंदर की तरफ, वो बाहर मतलब उधर की तरफ होगा, ये वाला इस तरफ होगा, ऊपर वाले सरफेस का तो कॉमन है, इसके लिए भी ऊपर की तरफ होगा, इसके लिए नीचे की तरफ होगा, ये वाला इधर होगा और ये वाला फ्रंट में होगा। तो मैं सारे कर्ले दिखा रही हूँ इन द सेम वे, यू कैन सी कि इसका भी सरफेस के लिए ये ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे नीचे होगा, इस तरफ इधर होगा, तरफ इधर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया कि एक शीट है, उस शीट के बीच में क्यूबॉइड रख दो, ठीक है, और वो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से हो कि आधा सरफेस उसका, आधा जो वॉल्यूम है वो सरफेस के ऊपर हो और आधा सरफेस के नीचे हो। तो जो आधा सरफेस के ऊपर है, ठीक, उसका यूनिट वेक्टर एन ऊपर की तरफ होगा, इधर वाले का ऐसे होगा, इस वाले सरफेस का ऐसे होगा, ओके, इसका नीचे होगा और इसका इस तरफ होगा, और जो पीछे वाला होगा उसका जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हाउ विल वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? तो अगर ये शीट इस पे बिछी हुई है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो जो सरफेस पे उसका जो हम कॉम्पोनेंट निकालेंगे, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज सेड एज ई पैरेलल, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा उसे हम कहेंगे ई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सरफेस पे आने वाली शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉम्पोनेंट हम सरफेस पे पाते हैं उसे हम पैरेलल कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और जो हम सरफेस के भी परपेंडिकुलर पाते हैं उसे हम परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक कॉम्पोनेंट की बात करेंगे, पहले पैरेलल कॉम्पोनेंट और उसको देख लेते हैं। पहले तो पैरेलल कॉम्पोनेंट को, सॉरी, पहले परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट को देखते हैं। तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लीजिए एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज माई मीडियम वन एंड दिस इज माई मीडियम टू। पेपर के ऊपर जब मैं लिखी हूं तो मतलब एक मीडियम ऊपर और पेपर के नीचे लिखते हैं तो मतलब पेपर के नीचे, ओके। सो यू कैन ड्रॉ दिस एंड यू कैन सी इट, मुझे थोड़ा ही ऐसे बनाना है, ओके। अगर हम गॉस लॉ सब पे लगाएं, सो यू नो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो इजीएस्ट वे होता है वो गॉस लॉ होता है, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस या फिर डीए इज इक्वल टू क्यू अनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो आपको पता है कि हम जब कोई भी क्यूब हमने ले रखा है, कौन सा क्यूब मिलू, वेट, ओके, दिस सरफेस इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मान लीजिए एक थिन फिल्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ही तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे जो यूनिट परपेंडिकुलर है उसकी भी डायरेक्शन ऊपर हो गई। सो वेक्टर ई डॉट डी ए मीन्स कॉस थीटा इज जीरो डिग्री। जब आप नीचे की तरफ बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यूनिट वेक्टर डीए की डायरेक्शन ये है, तो डॉट प्रोडक्ट के बीच में इसमें एंगल कितना हो गया, दैट इज 180 डिग्री, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी अदर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फॉर दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओके, दिस हैवी लिटिल हैवी, इट्स फुल ऑफ चॉक, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और उसका इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की ये है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री मीन जीरो। तो जितने भी ये वाले सरफेस हैं, चाहे वो सरफेस के ऊपर हो या नीचे हो, उसमें हमें क्या मिलेगा, ये कॉम्पोनेंट तो हमें जीरो मिलेगा, ओके। आपको मिलेगा क्या, ये ऊपर वाला कॉम्पोनेंट। तो हम इसको
यहाँ लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए मीन्स ई वन परपेंडिकुलर ए माइनस, क्योंकि वो नीचे था ई टू वाला, ई टू परपेंडिकुलर ए, बाकी चार सरफेस से हमें जीरो जीरो मिला, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड का मतलब कितना हो गया, अगर इस पे टोटल चार्ज सिग्मा है और इसका एरिया ए है, देन इट विल बिकम सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन डॉट. ओके, सो यू कैन राइट ओवर हियर दैट ई वन परपेंडिकुलर माइनस ई टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डॉट. ओके, इट मीन्स परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस. इट मीन्स देयरफॉर परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस. दो मीडियम है, अगर यहाँ पे सिग्मा चार्ज ना दे रखा होता मीन्स नो डिफरेंशिएशन इज देयर बिटवीन मीडियम वन एंड मीडियम टू, क्योंकि मीडियम वन मीडियम टू को ये सरफेस ही डिफरेंट का डिफरेंस कर रहा है. बट अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ही ना हो उस केस में क्या होता है कि ई वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई टू, क्योंकि ये सिग्मा अगर जीरो हो गया तो आपके केस में हो सकता इफ यहां पे हम लिख सकते हैं नोट की तरह, इफ एनी हाउ सरफेस इज फ्री चार्ज मीन फ्री चार्ज डेंसिटी इज जीरो, इन दैट केस ई वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए टू परपेंडिकुलर. ओके, दिस इज द नोट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई वन पैरेलल. व्हाट अबाउट दिस पैरेलल? तो पैरेलल कंपोनेंट क्या है? अब जैसे हमने ये लिया, फिर से व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कंपोनेंट, चाहे मैं नीचे करूं हियर और चाहे मैं ऊपर की तरफ रखूं और चाहे मैं ये मैं 20 से आधा नीचे मान रही हूं, तो नीचे की तरफ रखूं तो सरफेस का ये पार्ट ये जो आएगा इस पे, तो इवन आपका जिस डायरेक्शन में इवन है उसी डायरेक्शन में आपका ई टू है, जबकि यहां पे आप देखे थे परपेंडिकुलर में ये आपका यूनिट ई वन और ई टू के बीच में, ई वन ये था ई टू भी ये था लेकिन यूनिट वेक्टर ऑपोजिट थे. जबकि अगर हम इस सरफेस की बात करें पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो हमारा जो यूनिट वेक्टर इसका होगा ई टू का होगा वही यूनिट वेक्टर ई वन का होगा. मतलब कि जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे उस केस में क्या होगा, जब हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वहां पे दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन सेम होगा. मतलब ई वन परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये है, ई टू परपेंडिकुलर के लिए जब हम एन यूनिट वेक्टर एन वन निकालते और यूनिट वेक्टर एन टू जब निकालते ये है ठीक, लेकिन जब हम यूनिट वेक्टर एन वन निकालेंगे जब इसके लिए उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए भी इसकी डायरेक्शन ये होगी ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है इसके लिए इसमें भी ऐसा होगा और इसमें भी ऐसा ही होगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, दिस इज ई टू परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका ई वन परपेंडिकुलर ठीक है. तो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि एक सिस्टम ये है और एक तरीका ये है. इसी तरीके से हम हमेशा इसको लिख सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, अगर ई वन और ई टू के का डिफरेंस का कुछ वैल्यू है बट वॉट वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव होती है, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव देन इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो. ओके, व्हाट डज इट मीन दैट
vector E dot dl is equal to 0. This is your E1 dot dl and E2 dot dl. Okay. In this case, what can we say? If both the are net effect is 0, it means E1 dot dl. For this, I can make one more diagram over here to make you understand it more. Okay, ki yahan pe ye surface hai. Now see, one sheet is over here aur ab humne le liya is tarike se, to epsilon iski width hai. Now you can see closed path ke liye agar hum iski baat karte hain, so for the closed path I have to take, to this is my E1 and this is my E2. तो इंटीग्रेशन E1 डॉट dl और नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट इसके सरफेस में फॉर द क्लोज लूप आई कैन से इंटीग्रेशन E1 इनटू a माइनस E2 इनटू a इज इक्वल टू 0. बट कीप रिमेंबर दीज आर द पैरेलल कंपोनेंट. ओके, पैरेलल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो हमेशा शीट पे लाइन करते हैं. सो दिस विल बिकम E1 parallel is equal to E2 parallel. So this is the universal truth. Parallel component of electric field is, this is known as universal truth also. Kai bar options mein ye questions aise poochte hain, which one of the following is correct. To kaisa bhi condition ho, parallel component of electric field is always continuous. Okay, this component is always continuous. तो इसमें आपको दो पॉइंट मिले अब तक. One is E1 perpendicular minus E2 perpendicular. मैं लिख रही हूँ E1 perpendicular minus E2 perpendicular is equal to sigma upon epsilon naught. और दूसरा है E1 parallel is equal to E2 parallel. ठीक है, अगर यहां पे आपको ये मेथड आ गया, दैट मीन्स यू आर वेरी श्योर अबाउट बाउंड्री कंडीशन नॉट ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बट इन मैग्नेटोस्टैटिक टू. तो ये चीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि दोनों में यही केस है, बस फॉर्मूले का फर्क होता है. यहाँ पे हम पैरेलल कंपोनेंट को इक्वल बोल रहे हैं, वहां पे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, वहां पे आपका म्यू आ जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन ऑन डी. Right, next thing, boundary conditions on D. Kuch is the same hai which I'm not going to rub here. Boundary conditions on D. In the same way, here also same language you have to write for this D. You can write, consider the boundary between two medium. Okay, let me write also. Consider the boundary between two medium. Oh, mujhe rub hi nahi karna tha. Consider the boundary between two medium interface
as a thin sheet, as a thin sheet having a free surface charge, having a free surface charge sigma s. Okay, in the same way as we did in electric field, in the same way we will do in D. And what we will see over here, okay, according to Gauss law, अब हम यहां पे E की जगह D, same situation is for D also. Okay, तो integration vector D dot dA is equal to Q inverse. Okay, now we have to see for the surface. तो जैसे कि हमने E में देखा था, वैसे ही D1 perpendicular A minus D2 perpendicular A, as you know direction of D and E is same. Plus 4 times 0 is equal to total charge enclosed is your Q. Okay, if sigma is the surface charge density, so we can write D1 perpendicular minus D2 perpendicular is equal to Q upon A, that is the sigma free charge density what is given over here. Okay, so this is your one of the formula. Again, perpendicular component of displaced electric field, displaced electric field here is also discontinuous. But if there is free, if there is no free charge, D perpendicular is also discontinuous. ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. Now one more is there. If there is no free charge, then we can say D1 perpendicular is equal to D2 perpendicular. ठीक है, तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं, वैसे ही हमें इसमें भी D के लिए भी मिलता रहेगा. In the same way, we can write for this part, to explain about this parallel component, we set conservative field. For conservative field, E is conservative field. Similarly, if E is conservative field, then what we can predict about D? तो हम वहां से निकालेंगे कि for conservative E, we know that curl of E is equal to 0. Okay, so if curl of E is equal to 0, then you know that curl of D will be what? D is equal to epsilon naught E plus P. So curl of D ka matlab curl of E and curl of P. Theek hai? So E to yahan par 0 ho gaya. It means curl of D is equal to curl of P, which is not zero. यहां से ये आपको पता चला, D is not conservative. Vector D is not conservative. Keep remember, बहुत important point है ये आपका, कि E is conservative, but D is not conservative. Okay, so if D is not conservative, that means D1 perpendicular is not equal to D2 perpendicular. क्योंकि conservative था तभी हमने ये formula निकाला था. अब conservative नहीं है तो ये concept यहाँ पे valid नहीं होगा. So it will say D1 perpendicular is not D1 parallel is not equal to D2 parallel. Or you can say parallel component of D, parallel component of D is discontinuous. ठीक है, parallel component of D is discontinuous.
ओके सी व्हाट्स अ बाउंड्री कंडीशन ऑन पोटेंशियल. आई हैव टेकन द सेम डायग्राम ओवर हियर. वन थिन शीट इज देयर व्हिच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, मीडियम वन मीडियम टू, एंड दिस शीट इज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा. नाउ आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल in region 1, in medium 1, and potential in medium 2. So what will be my potential difference in these two regions, Vb minus Va? So according to my Gregg's law here, I can solve it. Grad of V dot dl so here this grad of V dot dl, if I take it, then what's the dot product between this grad of V dot dl? So this dl is just perpendicular to this potential, so this result will come over here, the zero, and directly you will get that Vb is equal to V of A. So you have to keep remember that your potential is continuous, your parallel component of electric field is continuous, your parallel component your parallel component of electric field is continuous, your potential is continuous, but your parallel component of D is not continuous. Okay, so ye points aapko apne mind pe yahan pe rakhna hai, that is V is continuous. Okay, so now again what you can write over here, as we know that perpendicular component of vector E, this E1 minus E2 is equal to sigma upon epsilon naught. Further we can write it like this way. Also vector E1 perpendicular component minus perpendicular component of vector E2 is equal to sigma upon epsilon naught with unit vector and cap. Okay, and you know this thing that E is equal to del dot V. So what we can write here, E is equal to minus del dot V plus del dot V is equal to sigma upon epsilon naught. This one is V1 and this V2. V1 is representing at point A and V2 is representing that at point B. So we have to find this thing. Sorry, del of V. Okay, so that means grade of Vb minus grade of Va should come equal to sigma upon epsilon naught. This means del V upon del A minus del Va upon del A is equal to sigma upon epsilon naught.